कैसे बनाए वंशावली, क्या बहन और बेटियों का नाम भी जोड़ना है जरूरी। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। इस सर्वेक्षण में जमीन को अपने नाम पर सुनिश्चित करने के लिए लोग कई तरह के कागजात जुटा रहे हैं, क्योंकि सर्वेक्षण के दौरान कई तरह के कागजात की जरूरत पड़ सकती है। इसी में से एक है वंशावली। वंशावली को लेकर भी कई लोग परेशान हैं। अगर आप वंशावली के बारे में नहीं जान रहे तो आपको बता दें, इससे किसी व्यक्ति के वंशज का पता चलता है। कई लोग वंशावली बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। वंशावली को लेकर जो लोग इतने परेशान हैं, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की ज़रूरत है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आसानी से वंशावली बना सकते हैं। तो जमीन के हकदार आप हैं तो वंशावली भी आप खुद ही तैयार कर सकते हैं। जिनके नाम से जमीन का खतियान शुरू है, वहां से लेकर निचली पीढ़ी तक वंशावली में लोगों के नाम को जोड़ना होता है। फिर इसे संबंधित पंचायत के सरपंच से प्रमाणित करवाना है। उसके बाद आगे कागजी कार्रवाई की जाएगी। वंशावली में आपको पूर्वजों की मृत्यु से संबंधित प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होती है। इसमें केवल उनका नाम लिखना होता है। जब इस पर गांव के मुखिया या सरपंच अपना हस्ताक्षर करेंगे, तभी इस कागज को मान्य किया जाएगा। फिर अगर आपकी जमीन पूर्वजों के नाम है तो स्वघोषित वंशावली का फॉर्म जमा करते समय उन पूर्वजों की जानकारी देनी होगी जिनका निधन हो चुका है। इसके अलावा वंशावली में पीढ़ी दर पीढ़ी सभी का नाम दर्ज करने के साथ ही तारीख दर्ज करनी होगी। यदि इस पीढ़ी में बेटी बहन है तो इनके नाम का उल्लेख भी करना जरूरी है, क्योंकि नियमों के मुताबिक बेटियों को भी पूर्वजों की जमीन से अधिकार पाने का हक है। इस दौरान यदि बेटी बहन इस संपत्ति से हिस्सा नहीं लेना चाहती है, यहाँ वो अपना लिखित सहमति देंगी, तभी इसे अनिवार्य माना जाएगा। कई जगहों पर तो लोग वंशावली बनवाने के लिए हजारों हजार रुपए ले रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि भूमि सर्वेक्षण के लिए वंशावली यदि आप किसी सरकारी कर्मचारी से बनवाते हैं तो इसे बनवाना निःशुल्क है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसके पैसे नहीं देने हैं। बावजूद इसके यदि कोई वंशावली बनाने के लिए पैसों की मांग करता है तो आप इसकी शिकायत संबंधित अधिकारी से कर सकते हैं। हालांकि इससे संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप अपने पंचायत सचिव से संपर्क करें, वे आपको इससे संबंधित सभी जानकारी देंगे और आपकी पूरी मदद करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।